स्वागत है। आज हम क्विक बनाएंगे सब्जी। तो पत्ता गोभी और उबला आलू मेरे पास पहले से ही पड़ा था, तो उबले आलू की सब्जी बनाएंगे। पत्ता गोभी और उबले आलू की सब्जी, उसको हम कैसे बनाते हैं सिंपल और टेस्टी, वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखें। पत्ता गोभी को हमने एक काट लिया, छोटा सा पत्ता गोभी था, बस काट के पानी में डाल दिया तो और ताजा हो गया। थोड़ी सी प्याज डालूंगी, इतना मैं काटी हूँ, लेकिन मैं दो तीन सब्जियों में इसका उपयोग करूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। एक बड़ा आलू है, आलू भी मैं दो या तीन डालूंगी इसमें, जो काट उबाल के रखी हूँ। थोड़ी सी हरी धनिया, एक इतने इसमें मैं केवल एक टमाटर ही डालूंगी, ज्यादा डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आता। बघार में मैं डालूंगी जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्च पाउडर, बस इतनी सी चीज। और नमक टू द टेस्ट होगा, आपका टेस्ट जैसा है वैसा आप नमक उपयोग कर सकती हैं। तो चलिए अब मैं बना के आपको दिखाती हूँ। मैं जरूर डालती हूँ अपनी सब्जियों के बघार में, तो थोड़ी सी मैं हींग है, हींग भी डालूंगी बघार में। चलिए मैं बना के आपको दिखा। पत्ता गोभी में ज्यादा तेल से एकदम ऊपर आ जाता है, तो मैं एक चम्मच ही डाली हूँ, एक टीस्पून है, देखिए ज्यादा नहीं। अच्छा गर्म होना चाहिए तब सब्जियों में टेस्ट आता है, और कम गर्म में डालेंगे तो आप जब कसैला लगता है, हम लोग राइस ब्रान ऑयल खाते हैं रामदेव बाबा का, तो उसको मैं अच्छा गर्म करूंगी। जीरा को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया, डाल दिया। थोड़ी सी मैं सरसों डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा खाते नहीं है। हींग डालूंगी थोड़ा सा, थोड़ा सा प्याज, कुछ ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, तो थोड़ा सा प्याज। इसको छोटा नहीं करूंगी क्योंकि उबला हुआ है तो वैसे ही गल जाएगा। थोड़ा सा इसमें भून लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर सब्जियों की सब्जी के अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च एक चौथाई, और थोड़ी सी डाली हूँ ये गरम मसाला पाउडर। तो तेल में अच्छे से भून लूँगी और इसमें मैं डालूँगी पत्ता गोभी। मसाले को तेल में भून लेना है अच्छे से। यह भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये भी भून के सब्जियों में इसकी खुशबू आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी, नमक डाल के इसको मैं धीमे आंच में सिम में ही पकने दूंगी। इसमें पानी वानी नहीं डलेगा ज़्यादा, ज़रूरत होगी तो देखेंगे। अभी इसको मैं सिम में ही पकाऊंगी। अब टू द टेस्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और पकने के बाद में जब आधी सब्जी पक जाएगी फिर मैं डालूंगी इसमें टमाटर। और नमक डालने के बाद ये पानी छोड़ेगी सब्जी, पानी निकलेगा इसमें से, उसी पानी में मेरी सब्जी को मैं पकाऊंगी। इसको अब मैं धीमे आंच में मिडिल उसमें रख दूंगी। ये देखिए अभी हाफ पक गया है, हाफ से ज़्यादा पक गया है, तब इसमें मैं टमाटर को काट के रखी हूँ, ये टमाटर डाल दूंगी। टमाटर बड़ा था तो मैंने पूरा तो नहीं डाला है, उसका हाफ पीस करके, हाफ करके डाला है टमाटर को। ये देखिए ज़्यादा टमाटर में भी इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने बहुत बड़ा था वो, तो उसको स्लाइस करके थोड़ा सा डाला है। इसी तरह से पकने देंगे और इतना बढ़िया पक के इसका स्वाद हो जाता है, फिर मैं पकने के बाद दिखाती हूँ। ये उसी पानी में मेरी सब्जी बन के एकदम रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है मेरी सब्जी। करती हूँ, बहुत अच्छी मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। धनिया डाल दूँगी। दोस्तों मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, उम्मीद है कि आप इसको एक बार ट्राई अवश्य करेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। क्विक सब्जी मेरी पत्ता गोभी और आलू की बनके तैयार हो गई है। थैंक यू वेरी मच।